بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده وعلى خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر واتمم بالخير اللهم بارك لنا في اوقاتنا امين ثم تشالنجي आज हम पढेंगे कुछ मजीद दुआओं को ان شاء الله تعالى जिनके हैंड रेज हैं उनके क्वेश्चन इन शाला लेंगे आफ्टर लेक्चर तो पहले हम पढ़ लेते हैं आगे कुछ थोड़ा सा उसके बाद फिर हम आपके माइक ऑन करेंगे और आपके क्वेश्चंस ले लेंगे ठीक है चलें जी हमने कर लिया था माशा माशाला अल्लाह जितनी भी हमारी तस्बीहात हैं दुआएं हैं और शाहुद में क्या पढ़ना है दरूद कैसे पढ़ना है ये सब हम सीख चुके हैं अल्हदल्ला अब हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा दुआएं एक्स्ट्रा तस्बीहात ताकि हमारी नमाज में मज़ीद खुश वजू पैदा हो सके और हम अल्लाह ताला के मजीद करीब हो सकें बहुत सी अच्छी अच्छी दुआएं अच्छी अच्छी तस्बीहात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आ, सहाबा को सिखाई तो वो हम भी सीखेंगे ताकि हम अपनी नमाज को बहुत अच्छा बना सकें क्योंकि आपको पता नमाज भी हमारे लिए दुआ करती है या बद करती है अस्तर तो ये ना हो कि हम लोग नमाजें तो पढ़ रहे हों लेकिन वो नमाज ही हमारे हक हाँ में बद दुआ कर रही हो क्यों क्योंकि हम उसको सही तरीके से पढ़ नहीं रहे क्योंकि नमाज आपको क्या कहती है जब हम नमाज पढ़ लेते हैं ना तो नमाज हमें कहती है हमें दुआ देती है कि अल्लाह तुझे आबाद रखे जैसे तूने मुझे सही तरीके से आ, पढ़ा जैसे तूने मेरी हिफाजत की अल्लाह तेरी हिफाजत ठीक और अगर हम उसको सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो कहती है अल्लाह तुझे जाया करते जैसे तूने मुझे जाया जया तो इसलिए हमने अपनी नमाजों को ऐसा बनाना है कि नमाज हमारे लिए दुआ करे हमारे मुंह पे मार ना दी जाए तो इसलिए कुछ मजीद दुआएं सीखी गई ताला सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पहली दुआ है हमारे पास हैंड रेज हो रहे हैं सबके कोई खास बात आवाज आ रही है सही बाकी लोगों को अम्बरीन आयशा आप लोग बताएं आवाज क्लियर है कोई मसला तो नहीं आवाज में आवाज क्लियर है जी क्लियर है बिल्कुल आवाज चल ठीक है जजाक अल्लाह खैर ठीक है जी क्वेश्चंस हम बाद में ले लेंगे इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब आप एक तहरीमा कहेंगे उसके बाद हमने एक ही दुआ की थी याद अभी तक सुबहानक अल्लाहुम्मा ये वाली यहाँ पे आप देखें ये वाली हमने की थी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक वतबाराक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक ठीक है इसके अलावा भी हम दुआएं मांग सकते हैं और उन्हे से पहली जो हम सना जिसको कहते हैं सना हम पढ़ते हैं वो ये है स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अगेन अल्लाहुम्मा का लफ्सा आप लोग इतनी दफा माशाल्लाह पढ़ चुके हैं आप सबको याद हो गया होगा कि इसमें लाम को हमने हैवी करना है और मेम पे हमने गुना करना होता है ठीक है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा क्या हम कह रहे हैं अल्लाह से आप बाद बात पे यहाँ पर कलकला करेंगे बाइद बइनी ठीक है बाईनी यहाँ पे इसकी मद का ख्याल रखना है मद इसकी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए अब ये जो नून है ये लंबा नहीं होना चाहिए इसको भी माफ कर लें ख या, या क्या पढ़ेंगे इसको ख प मोटा है इसमें भारी जाएगा और प तो भी भारी जाएगा ख या, या ठीक है अब ये देखें ये या क्या गरीफ है इसलिए ये तो जाएगा आपका लंबा लेकिन ये या छोटा होगा तो इस या को ध्यान रखिएगा ये हम इसको खता या या नहीं पढ़ेंगे बल्कि खत या या उसके बाद आगे है कमा बैत्ता अब इसमें ये जो दाल है ना इस पे क्रॉस लगा दे ये पढ़ा नहीं जाता ये डायरेक्ट हम तापे मूव कर जाते हैं ये उसके अंदर ही मर्ज हो जाता है तो हम पढ़ेंगे बा उसके बाद देखें बेई नशर कफ इसमें हम इसको पढ़ेंगे हैवी बेनल मश्रकी उसके बाद है वलमा गरीबी मन को यहाँ पर हैवी करेंगे वलमा गरीबी अब यहाँ पर देखें अलमश्रकी में क़ाफ की जेर इसको भी शार्प रखना है आपने बिल्कुल जैसे मैंने बताया था पेंसिल की नोक जैसे शार्प होती है उस तरह से शार्प बे बे नहीं करना नहीं करना ठीक है वलमा ग्रेबे नहीं पढ़ना वलमा गरीबी रिबी ठीक है यहाँ तक यहां तक हम पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ आ जा जाए हम अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं अल्लाह मेरे और मेरी खताओं के दरमियान दूरी डाल दे ठीक है क्या डाल दे दूरी जैसे तूने मशरिक मशरक और मगरब के दरमियान दूरी रखी है अल्लाह अल्लाहर कितनी अच्छी दुआ है जरा हम थोड़ा गौर से इसको सोचें गौर व फिक्र करें तो देखें नमाज शुरू होते ही तकबीर तहमा के बाद ही पहली दुआ हम अल्लाह तला से क्या कर रहे हैं अपनी खताओं की माफी ही मांग रहे हैं तो इसलिए जब आप दुआ भी शुरू करें तो अदब यही है कि पहले तस्वीर और उसके बाद दुरूद वगैरह पढ़ के तो अपनी पहले खताओं पे रोया करें इस्तफार किया करें उसके बाद दुआएं मांगा करें क्योंकि अक्सर हमारी जो दुआएं कबूल नहीं होती वो हमारे अपने गुनाहों की वजह से कबूल नहीं हो रही होती तो इसलिए पहले इस्तफार करेंगे और उसके बाद हम दुआ मांगेंगे जैसा कि यहाँ हमें इस आ, सना की जो दुआ है इससे भी हमें पता चल रहा है ठीक है तो हम क्या कह रहे हैं कि मशरक और मगरब के दरमियान जितनी दूरी है उतनी दूरी डाल दें मेरे दरमियान और मेरी खताओं के पर अल्लाहुम्मा <स्यां> आगे देखें अल्लाहुम्मा यहाँ पर अगेन लाम को हैवी मीम को गुन्ना देंगे यहाँ पर अकमल गुन्ना उसके बाद है नकनी नकनी ठीक है अब यहाँ पर नी की टू काउंट्स आपने कंप्लीट कर नकनी नहीं पढ़ना अक्सर क्या करते हैं लोग यहाँ पे नक नी पढ़ देते हैं यहाँ पे मार्क लगा है लंबा नहीं करना है हमने क्या पढ़ना है नकी, छोटा नी लंबा नकी नी। उसके बाद आगे देखें देखेपो या अब यही वर्ड जो आपने ऊपर पढ़ा था लेकिन एंड पे या था यहाँ पर नहीं आ रहा ठीक है कॉ हैवी जाएगा कॉ तो भी हैवी जाएगा आपका मीनल खपो या उसके बाद है कमा कमा युन अब इस को ना आपने आगे इस ता के साथ जोड़ देना है ठीक है तो आप पढ़ेंगे यूनकऊब अब ये जो बा है ये भी आगे जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा पूरा ठीक है बा यहां पर आपका कलकला के साथ आएगा अब अल अब यबु अब ये दो अद को आप करेंगे भारी तो क्या होगा हमारा तमा यूनकुलबू उसके बाद देखें मीनद दनस आप यहाँ पर रुकना चाहें रुक भी सकते हैं वरना आप मीनद दनसी पूरा उसको पढ़ेंगे ठीक है लेकिन सीन को लंबा नहीं करना यहाँ पर हम अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ऐ अल्लाह मुझे खताओं से इस तरह पाक कर जैसे कि सफेद कपड़ा मैल से पाक किया जाता है सुबह पहले हमने मांगी दूरी और फिर हम कह रहे हैं कि अगर कोई है हमारी खता तो ऐसे साफ सुथरा करते हमें जैसे सफेद कपड़ा मैल से दूर किया जाता है पाक किया जाता है तो वो कितना साफ सुथरा उजला खुशगवार हमें देखने में भी खुशगवार लगता है और उसपे कोई दाग नहीं होता तो इसी तरह हमारी जो जाहिर और बातिन है उसको बिल्कुल ऐसा बना दे कि उस पे कोई दाग ना रहे। इस को कबूल फरमाए उसके बाद देखें अब ये वाइन के साथ ज्वाइन हो जाएगा ठीक है यहाँ पर अगेन इसको हैवी करेंगे अगेन इसको हम मुशद्दत पे या मुशद्दत पे गुन्ना देंगे अम सिल ठीक है सिल है ये सीन के नीचे जेर है जेर को शार्प करेंगे सिल नहीं पढ़ना, सिल नहीं, सिल, सिल। या या। ये वही वर्ड आ गया जो ऊपर पड़ा था या, या। मद आ गई यहाँ पे मत करेंगे ठीक है बिल्माई वी वसल ठीक है वलबरद वलबरद अब यहाँ पर मैं रुक रही हूँ तो एंटाल आ रहा है उसको मैं कलकला करूंगी और रॉक में करूंगी हैवी तो मैंने क्या कहा अल्लाहुम्मग़सिल खताया बिल माई वस्सल वल बरद ए अल्लाह मेरी खताएं यानी अपनी बख्शिश के पानी हम कह रहे ना बिल पानी वस्सल जी और बर्फ वल बरद और औलों से धो डाल सुभान अल्लाह तो हम अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं अपनी गुनाहों की बख्शिश की और अपने जाहिर और बातन की सिफाई की खताओं खताएं बिल्कुल साफ कर दे दूर कर दे अल्लाह ताला हमसे तरह से जैसे अल्लाह ताला अपनी बख्शिश के पानी से बर्फ़ से और ओलों से अल्लाह मीनिंग्स को थोड़ा सा ज्यादा गौर करें और उसको फील करके पढ़ें तो इन ताला हमारी नमाजों में खुशू भी आएगा और हमारी दुआएं भी कबूल तो होंगी ठीक है तो एक दुआ हमारी होगी आई नो कि आपके लिए ये दुआ थोड़ी मुश्किल होगी जिन लोगों को पहले नहीं आती तो उसको आपके पास पूरा वीक है आहिस्ता आहिस्ता करके याद कर लीजिएगा इन जाएगी परेशानी की बात नहीं है और उसके बाद हम करेंगे ये दुआ अच्छा ये भी हम दुआ पढ़ सकते हैं या तो आप वो पढ़ लें या ये पढ़ लें ठीक है कुछ लोग कहते हैं हम वो भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें तो वो भी दोनों भी पढ़ सकते हैं इसमें तो कोई मसला नहीं है इनशालाजर ही मिलेगा आपको ठीक है लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट करके पढ़ेंगे ना तो फिर एक जो हम रटा रटाया सबक पढ़ रहे होते हैं ना वो फिर हमसे नहीं पढ़ा जाता छूट जाती है ठीक है अगर आप इस तरह से सारी पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो फिर भी आप वही रूटीन से पढ़ते रहेंगे तो कभी कोई पढ़ ली कभी कोई पढ़ ली ताकि आपको आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहे कि मैं नमाज पढ़ने लगाऊ और फौरन आप उसकी तरफ आ जाए यानी आपका जो अटेंशन इधर उधर हो जाती है ना जब हम रटा रटाया सबक पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान नहीं होता बस मुंह से हमारे हो रहे होते हैं, तो वो सिलसिला भी पढ़ सकते हैं वसल्लम के पीछे एक ने कहा, अब ये ज्यादातर लोगों को आती होगी क्योंकि हम तकदीरात पढ़ते हैं जब दिल्हाज के महीने में ज्यादातर तो ये तब पढ़ते हैं वैसे भी पढ़नी चाहिए ये तस्वीर लेकिन ज्यादा उस महीने में पढ़ी जाती है इसलिए अक्सर मुझे उम्मीद है लोगों को आती होगी अल्लाह अकबर अब यहाँ पे मैं रुक रही हूँ क्योंकि आपने याद भी ऐसे ही की होगी जब तस्बीहात हम हाँ याद करते हैं अल्लाह अकबर कबीरा ठीक है यहाँ पर भी मैं रुक रही हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ अल्लाह अकबर कबीरा फिर कसी रॉ रॉ को यहाँ पे मैंनेवी करना है यहाँ पे भी हैवी करना है वह यहाँ पे मैं लाम को करूंगी हैवी वा बुक रुक रहे हो तो आपने वहाँ पे क्या करना है आपने वहाँ पे टू काउंट्स दे के फिर रुकना है ये रूल होता है ठीक है अब हम इसको जरा तसलसल तो में पढ़ लेते हैं अगर मैं इस पे वक्फ नहीं करती बीच में तो मैं कैसे पढ़ूंगी الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لكن شو كما ركري أنتم أبرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا تو کیا میں مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہوں اللہ سب سے بڑا ہے बहुत बड़ा है सारी तारीफ उसकी है वो हर ऐप से पाक है सुबह और शाम हम उसकी पाकि बयान करते हैं ठीक है तो देखा जाए तो हम ये एक तरह से अल्लाह तला का तारुफ है जो हम अपने आप को भी सुनवा रहे हैं और बाकी भी जो फरिश्ते सुन रहे हैं हमारी नमाज को उनको भी सुनवा रहे हैं जैसे आप किसी से मिलने जाएं तो पहली मुलाकात में आप क्या करते हैं पहले असल वालेकुम कह के आप उसका हाल चाल पूछते हैं आप उसके बारे में जानते हैं वो आपके बारे में जानता है तो बिल्कुल ऐसे ही हम नमाज में भी अल्लाह तला के सामने अभी खड़े ही हो रहे हैं तो पहले तो हम अल्लाह तला कौन है वो हम अपने आप को भी रिमाइंड करा रहे हैं अल्लाह को तो यकीन मालूम ही है अल्लाह तला की शान बहुत बुलंद है बहुत अजीम है लेकिन हम अपने आप को रिमाइंडर दे रहे हैं कि मैं जिसके सामने खड़ी हूं वो ये है वो ये उसकी सिफात है ताकि फिर मेरा जो सर है वो आजजी के साथ झुक जाए तकबर के साथ खड़ा ना रहे और ना ही मैं कोई लापरवाही इसमें बरतूं तो आज से जब आपने ये दुआ पढ़नी है तो यही सोच के पढ़नी है कि मैं अल्लाह ताला की तारीफ इसलिए बयान कर रही हूँ ताकि मैं जान सकूँ मैं किस बादशाह के सामने खड़ी इनशाला अच्छा जब ये सहाबी ने किसी शख्स ने पढ़ी थी आप अलैहि वसल्लम के पीछे ये दुआ तो ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस शख्स के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए हैं सुबह आसमान के लिए दरवाजे किसके लिए खोले जाएंगे आपको पता है नेक रूहों के लिए ही खोले जाएंगे जो बद रूहें होंगी उनके लिए तो दरवाजे खटखटाए जाएंगे तो फरिश्ते पूछेंगे कि ये कौन है ये कौन है जिससे इतनी बदबू आ रही है तो फिर फरिश्ते बताएंगे कि ये फला फला है तो अल्लाह अकबर अल्लाह तला ऐसे खात्मे से हमें बचाए कि हमारा जिक्र इस तरह से हो अल्लाह ताला अच्छा खात्मा ताफरमाए हमारा जिक्र बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से एहसन अंदाज में ही अल्लाह ताला करवाए इन ताला। उसके बाद हम आ जाते हैं जी एक और दुआ कर लेते हैं ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगी आई नो बहुत सारी दुआएं हैं लेकिन हम थोड़ा थोड़ा ही करेंगे तो एक हम और दुआ कर लेते हैं जी ये तो आपको आती है माशाल्लाह इसलिए इसको तो जरूरत नहीं है बताने की कि ये भी हम पढ़ सकते हैं सुबह पहले ही कर चुके हैं ए तु पाक है और हम तेरी तारीफ के साथ तेरी पाकि बयान करते हैं तेरा नाम बड़ा ही बाबरकत है तेरी बुजुर्गी बुलंद है और तेरे सिवा कोई मबूत नहीं सुबह अच्छा जब आप ये तनाव पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम अक्सर पढ़ते हैं आउज ठीक है तो हमने क्या पढ़ना है हमने आज से ये दुआ पढ़नी है बिल्कुल उससे मिलती-जुलती है अब हम पढ़ेंगे इसको अजू आऊजू आ और फिर आइन को आपने अपने हल्क में से निकालना है ठीक है आऊजू फिर बिल्लािस इसको आगे आपने जोड़ देना है सीन के साथ बिल्लािस अब यहाँ पर भी आइन को आपने इस्लाम के साथ जोड़ देना है आइन आ रहा है आइन को आपने बिल्कुल अपने हल के वस्त से निकालना है तो क्या पढ़ेंगे ठीक है यहाँ पर भी आइन आ रहा है मीनस अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी आवाज फैलेगी मीनस ऐसे फैलेगी मीनश अब तो को अगेन आप हैवी करेंगे मीन शो निर्वजी को आप हैवी करेंगे मीन शो निर्वजी मीन हमजी ही क्या है ये हमजी ही वनफ ही यहाँ पे खो को आप हैवी कर देंगे हमजी ही वनफ ही वनफ अब यहाँ पर मैं रुक रही हूँ तो मैं इसको हाँ की नीचे जो खड़ी जेर नजर आ रही है उसको मैं साकिन कर दूंगी तो मैं पढ़ूंगी वनफ तिह तो क्या होगी दुआ बिल्लामी वनफ़ी ही जब तो आप इसको मिला के पढ़ेंगे ना तो ये जो ये अल आल की मीम की जेर है फिर अरअीमी की जो मीम की जेर है इनको लंबा नहीं करना ठीक है इनको देखिये मैंने कैसे पढ़ा था अलअली मिनश आगे मी के बाद फ़ौरन मिनश पढ़ दिया अलअली आल मिनश ठीक ऐसे पढ़ेंगे आ आप कैसे पढ़ते हैं अक्सर हम ऐसे पढ़ते हैं। तो ऐसे मी को हमने नहीं है ठीक है तो अब ये हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह ताला से मैं अल्लाह की पना मांगता या मांगती हूँ जो हर आवाज को सुनने वाला और हर चीज को जानने वाला है मरदूत शैतान के शर से उसके वसवसे उसके तकबुर से और उसकी फूंकों से ठीक है मेन ही, हम किसे कहते हैं उसके वसवसों को वनफी ही यहाँ पर इसका मतलब तकबर से किया गया है तकबर से वनफी ही और इसकी फूंकों से जादू से ठीक है तो देखें कितनी सारी चीजों से पनाह मांग रहे हैं हम अपनी नमाज में और हमें पता ही नहीं होता कि हम ये दुआ मांग रहे हैं तो मुझे बताएं जरा तासीर कैसे आएगी तासीर नहीं आ सकती जब तक हमें पता ही नहीं हम मांग क्या रहे हैं अब एक एक लफ्ज पे उसकी ट्रांसलेशन पे गौर करते हुए आपने ये पढ़नी है दुआ नमाज में तो इन शाह तला देखेगा आपको असर महसूस भी होगा कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है अलहमद तो बस यहीं तक हम करेंगे इसके बाद फिर आप मैंने बताया बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे फिर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे उसके साथ जो भी आपने सूरह मिलानी होती है वो सूरह पढ़ते हैं और फिर हम रुकू में चले जाते हैं और रुकू की दुआएं हम करेंगे नेक्स्ट टाइम इन ठीक है तो ये सारी दुआएं आपने करनी है उम्मीद है आ, सब लोग इसको अच्छे तरीके से करेंगे और अभी मैं आपके माइक्स खोलती हूँ तो फिर आप लोग सुना दीजिएगा माइक्स खोलने से पहले बस एक हदीस आपके साथ बयान करूंगी हजरत अब हर रजील्ला तवायत करते हैं कि आप सल असल्लम ने फरमाया कि पांच नमाजें उन गुनाहों को जो इन नमाज़ों के दरमियान हुए मिटा देते हैं और इसी तरह एक जुमा दूसरे जुमे तक के गुनाहों को मिटा देता है जबकि कबीरा गुनाहों से किया गया हो तो यह बहुत ही खूबसूरत हदीस है यानी देखिए अल्लाह तला की रहमत आ, कितनी आ, अजीम है बुलंद है कितनी ज्यादा है कितनी वसी है माशाल्लाह कि अल्लाह तला कह रहे हैं कि एक नमाज पढ़ के जब कोई दूसरी नमाज पढ़ोगे तो उसके बीच के सारे गुनाह में माफ कर ठीक है अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में वही डाली और आप वसल्लम जो भी कहते थे वो हक कहते थे सच कहते थे उनको इल्हाम किया जाता था वही वही की जाती थी तो उनके मुँह से वही अल्फाज निकलते थे जो सही है इसलिए इसमें कोई शक नहीं है हमें अल्फाज में कोई शक नहीं है सो यकीन रखें कि हमारी एक नमाज से दूसरी नमाज के दरम्यान के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे इस गुनाहों की बात हो रही है क्योंकि कबीरा गुनाहों के लिए तो फिर हमें क्या करना पड़ता है हमें अल्लाह तला से माफी मांगनी पड़ती है तो जब भी अगली नमाज का टाइम आने लगे पहले से ही मैंटली रेडी हो जाया करें कि मैंने पिछली नमाज से अब तक जितने गुनाह किए हैं मैं उनको बख्श पाऊंगी इन शाह अल्लाह के इजन से तो पूरी नीयत के साथ हम दुआ भी मांगेंगे और फिर अच्छे तरीके से नमाज भी पढ़ेंगे इनशाला उम्मीद है अल्लाह ताला हम सबकी खताओं को माफ करेंगे और हम सबकी ये जो टूटी फूटी नमाजें हैं उनको जरूर कबूल फरमाएंगे इनशा त चले जी अब हम करते हैं आपके माइक ऑन और आप मेरे साथ जरा पहले पढ़ेंगे